हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण और एक दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है लेस देन 20, 20 से कम, मोर देन 20, 20 से ज़्यादा, आउट ऑफ 20, 20 में से। ये तीन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर टू, सही जवाब है फॉर दिस कंट्री, इस देश के लिए, ऑफ दिस कंट्री, इस देश के, फ्रॉम दिस कंट्री, इस देश में से। इन तीन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर थ्री, सही जवाब है सिंस दिवाली, दिवाली से, ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली दौरान। इन दो प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर फोर, सही जवाब है नियर द टू कार्स, दो गाड़ियों के नज़दीक, नेक्स्ट टू द टू कार्स, दो गाड़ियों को लग के या फिर दो गाड़ियों के बाजू में, बिटवीन द टू कार्स, दो गाड़ियों के बीच में। इन तीन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।